इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अल्मोड़ा से, जहां मालचुला के पास एक बस खाई में गिरी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गढ़वाल से रामनगर ये बस जा रही थी और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हादसे में अब तक करीब 20 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अल्मोड़ा बस हादसे की सीएम धामी ने जानकारी दी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अल्मोड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ है। मालचुला के पास ये बस खाई में गिर गई। सचिव आपदा प्रबंधन कुमाऊं कमिश्नर से सीएम धामी ने इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी दी है। डीएम अल्मोड़ा से सीएम धामी ने फोन पर बात की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में मालचुला के पास ये बस खाई में गिर गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हादसे में अब तक करीब 20 लोगों की मौत की खबर भी बताई जा रही है। बस में करीब 42 यात्री सवार थे और 22 लोग गंभीर रूप से घायल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसएसपी अल्मोड़ा समेत कई अधिकारी भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। एसटीआरएफ की टीम मौजूद है और रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस बस में 42 यात्री सवार थे और 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं 20 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये बस गढ़वाल से रामनगर की ओर जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने सड़क हादसे पर दुख जताया है। ये तस्वीरें भी अड़मोला से सामने आ गई हैं, जहां देखिए ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये बस खाई में गिरी और 20 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी ने पूरे हादसे की जानकारी ली है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सड़क हादसे पर दुख जताया है। एक्सपर्ट फोर्स के माध्यम से उन्होंने दुख जताया है। सचिव आपदा प्रबंधन कुमाऊं कमिश्नर से भी उन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर बात की है। डीएम अल्मोड़ा से सीएम धामी ने फोन पर बात की है और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और सीएम धामी ने भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे हादसे को लेकर सख्ती से जांच की जाए और एक्सपर्ट पोस्ट के माध्यम से उन्होंने दुख भी जताया है। हादसे में अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एसटीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अल्मोड़ा से संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नसीम, ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, बस खाई में गिरी है, अभी की स्थिति की अगर बात करें तो किस तरीके का माहौल वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। अल्मोड़ा जनपद के सल्ट तहसील के कूपी मोटर मार्ग से एक बस जा रही थी, जो अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें लगभग अभी तक जो सूचना मिल पा रही है उसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है और मौके पर ही क्षेत्रीय लोग और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में लगी है। साथ ही इस पूरी घटना का जायजा लेने के लिए अल्मोड़ा के एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू जारी है। नसीम, अगर घायलों की बात करें तो उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति किस तरीके से अभी बताई जा रही है? अभी उनके बारे में जो जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जो घायल है उनको पास के सेंटर उनको भेजा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी डिटेल निकल के सामने नहीं आ पाई रही है, क्योंकि अभी जो है रेस्क्यू लगातार अभियान लगातार जारी है। वही नसीम, अगर बात करें तो सीएम धामी ने भी पूरे हादसे को संज्ञान में लिया है और दुख भी जताया है। क्या लगता है, सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं जांच के लिए, क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम सरकार की ओर से उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना को लेकर बड़ा अफसोस व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है जो भी घायल है उनकी और जो भी मृत्यु है उन सबकी सरकार की ओर से मदद भी की जाएगी। ठीक है नसीम अहमद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, अल्मोड़ा में मारचुला के पास ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां ये बस खाई में गिरी है और हादसे में अब तक करीब 20 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस बस में करीब 42 यात्री सवार थे और 22 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी अल्मोड़ा समेत कई अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है और साथ ही लगातार वो हादसे पर दुख जताते हुए देखे गए और सचिव आपदा प्रबंधन कुमाऊं कमिश्नर से भी उन्होंने बातचीत की है। डीएम अल्मोड़ा से सीएम धामी ने फोन पर बात की और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश भी जारी कर दिए।